सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की स्टूडियो रिव्यू कर रहे होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। तो हम जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारे चीजों की पढ़ाई हो रही है, लाइक आपका इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, बहुत सारी चीजें। इसी में से एक हमारा इंजीनियरिंग भी है, तो हमारा तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला चैनल है, तो हम इसके सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जहां कहीं भी अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का नाम लें, यानी कि हम इसके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हमारे सांबा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी, बट इसके फर्स्ट इंजीनियरिंग बैच की शुरुआत 2022 में बताई जा रही है। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआईआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू तो आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इतमान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले मैं ये समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि इनके फर्स्ट बीटेक बैच की शुरुआत 2022 में हुई, जिनका प्लेसमेंट 2026 में हो रहा होगा। यानी कि फर्स्ट बीटेक बैच का प्लेसमेंट 2026 में होगा, तो आज के डेट में हमारे पास बीटेक बैच का कोई भी प्लेसमेंट डेटा नहीं है। बट फिर भी अगर हम थोड़े से डिटेल में बात कर ले, तो बताया जा रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में बीटेक के अंदर चार कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे आज के डेट में। पहला है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी, जिनको मेंटरशिप मिल रहा है डीआरडीओ से, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन एवियोनिक्स, जिन्हें मेंटरशिप मिल रही है आईआईएसटी इसरो से। तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप डीआरडीओ में इंटर्नशिप करने भी जा सकते हो, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच एवियोनिक्स से हो, उस केस में अगर आप अपने क्लास में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, अपने बैच में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, तो आप इसरो में भी इंटर्नशिप करने जा सकते हो। अब बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसेप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 69,036 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप जोसा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन फी और बाकी सारे फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, बट इसमें हॉस्टल और मेस फी का अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। बट फिर भी हमें स्टूडेंट्स ने बताया है कि आपको हॉस्टल फी पर सेमेस्टर 12,000 रुपीज लग रहा होगा, और वहीं मेस फी की बात कर ले तो पर मंथ 3,000 रुपीज। इन टोटल अगर आप हॉस्टल और मेस नहीं लेते हो, उस केस में आपके पूरे 4 साल का बीटेक फी लगभग लगभग 3.5 लाख रुपए पड़ने वाला है, और हॉस्टल और मेस का आपका पूरे 4 साल का फी लगभग लगभग 2.5 लाख रुपए पड़ेगा। यानी कि इन केस अगर आप हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ जोड़ लो, तो 4 साल का फी 6 लाख के आसपास पड़ जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक पर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, बताया जा रहा है राहया सुचानी नाम के विलेज में, सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में 600 एकड़ के कैंपस एरिया में बसा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट किया, जिसके अंदर बहुत तेजी से ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर डेवलपमेंट चल रहा है। बट फिर भी आज के डेट में बहुत सारी चीजें आपको हाई फाई लेवल की फैसिलिटीज देखने को नहीं मिल रही होंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी फैसिलिटीज लैकिंग होगी। अभी प्रॉपरली हम डिस्कस करते हैं कैसा क्या सिनेरियो है। तो बताया जा रहा है 600 एकर्स का आपका कैंपस है, जिसमें आप समझ लीजिए कि पूरे कैंपस आप में आपका जंगल ही जंगल है। थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे जमीन होगा, क्योंकि हिली एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर में जा रहे हो, तो बिल्कुल एक फ्लैट सतह आपको 600 एकड़ का नहीं देखने को मिल रहा होगा। और इस 600 एकर्स में आप, जैसा मैंने बोल दिया, पूरा जंगल ही जंगल है। अब उसमें लाइक कहीं कोई डिपार्टमेंट है, तो उस एरिया का जंगल साफ किया गया, वहां डिपार्टमेंट बनाया, तो कुछ डिपार्टमेंट कहीं तो कुछ कहीं तो कुछ कहीं बनाया हुआ है। और ये आपके कुछ सर्कुलर शेप में आपको बताया जा रहा है, जिसमें बस फैसिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइडेड है, क्योंकि बहुत बड़ा आपका कैंपस है। बीच बीच में आपको कहीं टनल्स भी देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि मैंने बता दिया हिली एरिया है, जिसके वजह से आपको कहीं कहीं टनल्स भी देखने को मिलेंगे। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, तो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैंपस में अलग अलग जगह प्रेजेंट है, जिसके वजह से बस फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइडेड है। और हॉस्टल्स बताया जा रहा है कि आज के डेट में भी हाल फिलहाल में आपके बने हैं। इससे पहले आपके जो स्टूडेंट थे, पास ही के विलेज में बताया जाता है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर आपको कैंपस से दूर देखने को मिल जाएगा, जहां से स्टूडेंट्स अपने किसी ट्रांसपोर्टेशन माध्यम से आ रहे होते थे। आज के डेट में भी आप चाहो तो हॉस्टल अवेलेबल है, तो हॉस्टल में भी रह सकते हो, जहां की फैसिलिटीज स्टूडेंट्स बढ़िया बता रहे हैं, और मेस का भी खाना बढ़िया बता रहे हैं, इन कंपैरिजन टू अगर आप नियर बाय किसी विलेज में रहकर पढ़ रहे हो। क्योंकि नियर बाय विलेज में भी आपके लिए पीजी रेंटेड रूम्स अवेलेबल हैं, जिसमें भी आपके प्रॉपर हॉस्टल जैसी सुविधाएं अवेलेबल हैं। उन रेंटेड रूम और पीजी का कॉस्ट आपका लगभग 5 से 6 हजार रुपया पर मंथ बताया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होगा कॉस्ट के टर्म्स में आपके, चाहे आप हॉस्टल में रहिए या फिर इन रेंटेड रूम या पीजी में रहिए।
लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आएगी क्योंकि कैंपस से 3 से 4 किलोमीटर दूर है आपके ये विलेज वाले एरिया जहां रेंटेड रूम या पीजी लेकर रह रहे होंगे, और ऊपर से फैसिलिटीज आपको हॉस्टल में ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रही होंगी। ट्रांसपोर्टेशन आपको विद इन द कैंपस देखने को बढ़िया मिल जाता है। और अगर बात कर ले हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अब किस प्रकार की है, तो मैंने पहले तो बता दिया कि जहां तहां कुछ ना कुछ बना हुआ है। इसमें सबसे बढ़िया आपको मेन बिल्डिंग देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ आपको आईटी डिपार्टमेंट जिसके अंदर आपके कंप्यूटर साइंस के लिए जो भी ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें, तो एक आईटी डिपार्टमेंट बढ़िया देखने को मिलेगा, मेन बिल्डिंग आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, और इसी के साथ इसरो का डिपार्टमेंट काफी शानदार है। मतलब आप चाहे किसी भी बिल्डिंग में चले जाइए, आपका चाहे वो मेन बिल्डिंग हो, आईटी डिपार्टमेंट हो, इसरो हो, इसके अलावा जो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे भी बढ़िया हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये खराब है, ये सारे भी बढ़िया हैं, लेकिन आपके जो मेन बिल्डिंग और आईटी डिपार्टमेंट ये कुछ ज्यादा बढ़िया है, और इसरो में चले जाइए इसरो के डिपार्टमेंट में वो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। अब इसरो के डिपार्टमेंट में आपको स्टूडेंट्स कम देखने को मिलेंगे, ज्यादातर स्टाफ मेंबर्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी शांति आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर आप इसरो के डिपार्टमेंट में जाते तो आपको लगेगा ही नहीं कि कैंपस के बाहर से हम जो जंगल जंगल हिली एरिया देख रहे थे, सिर्फ पेड़ पौधे, बिल्कुल एक दूसरा एनवायरनमेंट आपको इसरो के डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। लगेगा ही नहीं कि मतलब हम कहीं उस एरिया में, लगेगा कहीं बाहर से एक अच्छे खासे ऑफिस वाले एरिया में आ चुके हैं। तो इसरो का डिपार्टमेंट काफी बढ़िया तरीके से बनाया गया है, और इसी के साथ आपका चाहे आईटी डिपार्टमेंट जो कि खासकर बीटेक के लिए है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं भी आपके जो भी यूनिवर्सिटीज है, भले बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हो जिसमें बीटेक हाल फिलहाल में चल रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा हम देख रहे प्रॉपर केयर आपके बीटेक डिपार्टमेंट को ही दिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पे फी भी ज्यादा पे कर रहे होते हैं, डिमांड भी ज्यादा है, क्योंकि देख लीजिए बहुत सारे ब्रांचेस हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, चाहे आपका बीए हो, बीकॉम हो, ह्यूमैनिटीज जो भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा आप स्टूडेंट्स देखोगे बीटेक नया नया खुला है किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स ज्यादा वहीं पर होंगे। तो इन्हीं वजह से हम देखते हैं कि फैसिलिटीज भी आपको बीटेक में थोड़ी सी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है, चाहे वो आपका क्लासरूम हो, क्लासरूम यहाँ पर आपको बढ़िया बताया जाता है, स्मार्ट बोर्ड भी देखने को मिलते हैं, बहुत बड़ा आईआईटी एनआईटी के लेवल पे तो आपको बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स देखने को नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन क्लासरूम फिर भी स्पेसियस है, आपके प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो यही सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई फैसिलिटी लैकिंग है। स्पोर्ट्स में भी आप बात कर लें तो बहुत सारी चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिर भी आपके लिए क्रिकेट हो गए, फुटबॉल हो गए, बेसिक फैसिलिटीज जो स्पोर्ट्स की है वो सारी चीजें आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन चाहे वो आपका पढ़ाई करने का प्लेस हो, आपके हॉस्टल्स हो, कैंटीन्स हो, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। मैंने इनके कैंपस टूर में देखा कि कुछ हिली एरियाज है जहां पर कुछ छोटे बहुत ढाबेज, ढाबा अगर हम ना कहें तो कुछ छोटा बहुत प्लेस है जहां पर आप बैठकर स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहां आप खाना खा रहे होंगे, तो एक पिकनिक स्पॉट जैसा मुझे दिखा है। तो इस प्रकार का हमारा कैंपस है, आपको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और एक पिकनिक हिल स्टेशन टाइप वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा होगा कैंपस के अंदर ही। घूमने फिरने के लिए, ट्रेकिंग के लिए तो मुझे उतना पता नहीं, क्योंकि हिली एरिया है और जंगली जंगल है, तो हो सकता है ट्रेकिंग हो जाए, बट एक्चुअल में किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार की फैसिलिटीज, कैंपस लाइफ आपका किस प्रकार का है, जो भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से इस वीडियो को देख रहे हो, और खासकर अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो, तो पूरा माहौल कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और खासकर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और उस समय तक आपके बीटेक बैच की प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई है, तो जो भी प्लेसमेंट सिनेरियो चल रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। इसी के साथ अब अगर हम एक दो कुछ आपके स्टूडेंट के ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ लें, तो सबसे पहले रिव्यू में कैंपस लाइफ में बताया जा रहा है कि कैंपस लाइफ आपका काफी इंटरेस्टिंग है। आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड सो मेनी स्पोर्ट्स टू प्ले। वी ऑल्सो एंजॉयड अ फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर सीनियर्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स ने बताया है कि बहुत ज्यादा आपके यहाँ इवेंट्स एंड क्लब्स नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही है, और बताया जा रहा है कि थोड़े बहुत आपको फेस्ट देखने को मिल जाएंगे छोटे बहुत, लेकिन हम सोच सकते हैं कि आगे आने वाले समय में सेंट्रल लेवल का यूनिवर्सिटी है, तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी, बढ़िया फैसिलिटीज हमें देखने को मिलेंगी। लाइक आपका सिमिलर, अभी हमने पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात की थी, शुरू में वहां भी फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी, लेकिन आज के डेट में हमें बढ़िया फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। बट अगर वहीं कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, तो हमारा जम्मू में अगर हम बात कर ले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि हिली एरिया होता है, तो वहां कंस्ट्रक्शन करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, कि नहीं सिलेक्टेड लोकेशन एरियाज में ही हम कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं। आगे अगर हम बात कर ले इस रिव्यू में, तो बताया जा रहा है कि इनका जो फ्रेशर्स पार्टी है फरवरी मंथ के आसपास कंडक्ट कराया गया। वी हैव अ रिच अवेलेबिलिटी ऑफ आवर बुक्स इन आवर लाइब्रेरी एंड देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ जर्नल्स अवेलेबल देयर। लाइब्रेरी अच्छा खासा बताया जा रहा है, जिसमें अच्छे खासे जर्नल्स एंड बुक्स अवेलेबल है। रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, वी हैव आवर ओन क्लब्स फॉर स्पोर्ट्स लाइक वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट के इनके अपने क्लब्स हैं। इनके यूनिवर्सिटी का अपना वेबसाइट है, और अब हाल फिलहाल में इनका मोबाइल एप्लीकेशन भी बनने वाला है। एक और हमारे पास बीटेक स्टूडेंट का एक रिव्यू अवेलेबल है, जिसे अगर मैं पढ़कर बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला डिपार्टमेंट ही, तो बताया जा रहा है कि
सीयू जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इज अ जीएफटीआई, जिनका कैंपस एरिया 650 एकर्स बता रहे हैं, लेकिन विकिपीडिया पे 600 एकर्स, लेकिन फिर भी आपका चाहे 650 हो या 600 एकर्स हो, काफी बड़ा साइज होता है, दोनों में से कोई भी आपका छोटा साइज नहीं होता। बट इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि नया कैंपस है और 600 एकड़ बहुत ज्यादा होता है, जिसे कंस्ट्रक्ट करने में हमें टाइम लग रहा होता है। तो ये थे हमारे कुछ ऑनलाइन रिव्यू, और जो भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से बीटेक कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आपका अभी तक का अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो अभी तक हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी से जिम्मेदारी से फिलअप करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज के हर छोटे से बड़े डिटेल अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतने ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिन बाद कुछ होने वाले लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।